विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे महाकवि अरस खान। अरस खान के संबंध में भी, जैसा कि हम पहले दूसरे विद्वानों के बारे में, कवियों के बारे में पढ़ते आए हैं कि उनके जन्म में, मृत्यु में या उनके जन्म स्थान के बारे में अनेक तरह के मतभेद हैं, ऐसे ही कुछ मतभेद अरस खान के बारे में भी। कुछ विद्वान उनका जन्म 1640 के आसपास मानते हैं और कुछ उनका जन्म 1670 के आसपास। कुछ इन्हें हिंदू मानते हैं तो कुछ मुसलमान। लेकिन जैसा नाम से हम अंदाजा भर लगा सकते हैं कि ये मुसलमान थे। कुछ नवीन शोधों के आधार पर ये पता चला है कि इनका जन्म दिल्ली के राजवंश में हुआ था। दिल्ली में होने वाले नरसंहार के बाद ये अपना घर बार छोड़कर ब्रजभूमि चले आए और यहीं पर इन्होंने दीक्षा प्राप्त की। अरस खान ने जिन रचनाओं की स्तुति की, जिन रचनाओं को लिखा, जो रचनाएं इन्होंने की, उनमें प्रमुख सुजान रसखानी, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टया। और इन्हीं थोड़ी सी रचनाओं के बाद भी इनका नाम साहित्य में अमर है। इनके काव्य की समीक्षा यदि की जाए तो इनके काव्य में इनका भाव पक्ष जितना प्रबल है उतना ही मजबूत इनका कला पक्ष भी है। इनके लिए कहा भी जाता है रस खान वास्तव में रस की खान है। इनका काव्य पढ़ने से ये बात हमें मालूम भी होती है। सबसे पहले है इनके काव्य का भाव पक्ष। भाव पक्ष में इनके काव्य की सबसे पहली विशेषता है प्रेम तत्व की प्रधानता। इनके काव्य को गहराई से पढ़ा जाए तो हम पाते हैं कि ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति इन्होंने की है। प्रेम को इन्होंने दर्शाया है, प्रेम को ही दिखाया है। इस आधार पर कुछ विद्वान ये मानते हैं कि ये मुसलमान थे और सूफी काव्य से, सूफीवाद से, सूफी मत से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि सूफी जो कवि हैं या सूफी मत है उसमें प्रेम तत्व को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसी तरह का प्रेम का महत्व इनके काव्य में हमें दिखाई देता है। इसलिए कुछ आलोचक ये मानते हैं कि अरस खान सूफी मत से प्रभावित थे और उसी सूफी मत का प्रभाव इनके काव्य में दिखाई देता है। दूसरी इनके काव्य की विशेषता है भक्ति की गहराई। इनके काव्य में भक्ति की गहराई है। ये श्री कृष्ण के परम भक्त है और उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए हर तरह से उनके हर प्रयास करते हैं, हर तरह से लालायित रहते हैं। और इसके लिए वो कहते भी हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो गो गोकुल गांव के ग्वारन। कि अगर वो मनुष्य बने तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही बसे, अगर वो पक्षी बने तो कालिंदी के ऊपर कदंब के पेड़ों पर बैठना चाहते हैं, अगर वो पर्वत बने तो वो गोवर्धन पर्वत बनना चाहते हैं। इस तरह की उनकी चाहत है और इसी तरह की चाहत वो इस तरह से भी व्यक्त करते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिहू पुर को तजिटारो। कि वो श्री कृष्ण की लकड़ी और उनके कंबल पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने के लिए तैयार है। एक तरफ तीनों लोगों का राज रखा जाए, एक तरफ केवल वो लकुटी और कामरिया, तो अरस खान उसमें से उस लकुटी और कामरिया को चुनना चाहते। उन्हें तीनों लोगों के राज से कोई मतलब नहीं। तीनों लोगों का राज उनके लिए बेकार है। तो इस तरह से उनकी भक्ति में गहराई, और गहराई भी यहाँ तक कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें उनकी गाय ही क्यों न चरानी पड़े।
उनके केवल उनकी वो लकड़ी जिससे वो गाय चराते थे श्री कृष्ण, उनका वो कंबल जिसको गाय चराते हुए अपने साथ रखते थे, वो ही क्यों ना मिले, तीनों लोकों का राज चाहे उनसे छीन लिया जाए, लेकिन वो उसे ही प्राप्त करना चाहते। उनके काव्य की अगली बड़ी विशेषता कृष्ण का रूप सौंदर्य। कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है, यूं तो कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन अनेक कवियों ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन जो वर्णन रसथान ने किया है उसके समान दूसरा वर्णन अन्य नहीं मिलता है। रसखान ने उनके रूप का, बाल रूप का, किशोर रूप का, युवा रूप का हर तरह से सुंदर चित्रण किया है। बाल रूप में जब कृष्ण के हाथ से कौवा है माखन रोटी ले जाता है तो कवि को बड़ी ईर्ष्या होती है उस कौवे से, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, कि उस कौवे के भाग बड़े हैं जो हरि के हाथ से, कृष्ण के हाथ से, भगवान के हाथ से मक्खन रोटी ले गया, वो बड़ा भाग्यशाली है क्योंकि उसके कवि उसे भगवान कृष्ण के हाथ से उनका छुआ हुआ, उनका खाया हुआ अन्न खाने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ स्वयं को बड़ा हीन समझते हैं कि उन्हें तो इतना सा भी कुछ नहीं मिल रहा है। उनका वो बचपन का रूप, किशोरावस्था में गोपियों के साथ रास रचाना, उनकी मटकी फोड़ना, माखन चुरा ले जाना, यमुना में नहाते हुए उनके वस्त्र चुरा लेना, इत्यादि अनेक तरह की जो लीलाएं कवि ने की है उनका भी सुंदर चित्रण कवि ने किया है। उनके काव्य की अगली विशेषता है वात्सल्य भावों का निरूपण। कवि ने कृष्ण को अपना आराध्य माना है, कृष्ण ही उनके आराध्य देव रहे हैं। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने दीक्षा प्राप्त की, हिंदू बने, श्री कृष्ण को अपना आराध्य स्वीकार किया और उनके जो बचपन है श्री कृष्ण का उसके वात्सल्य रूप का चित्रण बड़ा ही सुंदर किया। श्री कृष्ण अपने आंगन में चारों तरफ माखन रोटी लिए हुए, खेलते हुए, खाते हुए इधर उधर टहल रहे हैं, जिसका वर्णन कवि करता है और उस वर्णन पर आत्मविभोर हो जाता है। ऐसा सुंदर चित्रण जिसके बराबर यदि रखा जाए तो केवल सूरदास को ही रख सकते हैं, अन्य कवियों में ये वर्णन देखने को नहीं मिलता है। वात्सल्य के भावों का निरूपण कोमलता और मधुरता से कवि ने किया है। अगले इनके काव्य की विशेषता है श्रृंगार चित्रण। कवि ने वात्सल्य, भक्ति, रूप सौंदर्य के साथ साथ श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण किया है। गोपियों का रास रचाना, कृष्ण द्वारा उनके नहाते हुए वस्त्र उठा लेना, उनकी मटकियाँ फोड़ना, उनका माखन चुरा लेना और उसकी चोरी पकड़े जाने पर एकदम से साफ मना कर देना, इत्यादि सब चित्रण अत्यंत भावपूर्ण है। इन चित्रों में कहीं भी मांसल श्रृंगारिकता नहीं है। यह श्रृंगार का आदर्श चित्रण कवि ने किया है, उसमें अश्लीलता बिल्कुल भी नहीं आई। उच्च आदर्श से सजा हुआ श्रृंगारिक चित्रण कवि ने किया। रसखान ने श्रृंगार के दोनों रूप, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार, दोनों का ही सफल चित्रण किया। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर जब वह अपनी जगह उद्धव को भेज देते हैं तो रोती बिलखती गोपियों का चित्रण भी बड़ा ही मनोहारी। अगले इनके काव्य की विशेषता है आराध्य का ब्रह्म रूप निरूपण। इनके आराध्य श्री कृष्ण हैं और इन्हीं को उन्होंने ब्रह्म का रूप माना है, ईश्वर का रूप माना है, वो परम सत्ता, परम शक्ति मानी है जो इस सारे संसार को चलाती है। रसखान अपने आराध्य कृष्ण को ईश्वर का अवतार,
श्री हरि विष्णु का अवतार मानते हैं। उनका मानना है कि श्री कृष्ण है वो संसार को चलाने वाली शक्ति है, उस शक्ति का एक अंश है जो इस सारे संसार को चला रही है। वो ब्रह्म का रूप है, उस ब्रह्म का जिसके चारों तरफ ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि चलती है, और वो चाहे तो एक पल में सारा कुछ इधर से उधर हो जाए, वो चाहे तो एक पल में सारा कुछ जो जहाँ है वहीं रुक जाए। इस तरह से उन्होंने अपने उस ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा परम सत्ता स्वीकार किया है। अब है इनके काव्य का कलापक्ष। कलापक्ष भावपक्ष की तरह ही रसखान का कलापक्ष भी बेजोड़ है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा का भी उत्कृष्ट रूप हमें देखने को मिलता है। भाषा में किसी भी तरह का दुर्हुता या इस तरह का कहीं भी कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता कि वो भाषा में उनकी पकड़ नहीं थी। उच्च कोटि की भाषा के धनी रसखान ने अपनी भाषा की पकड़ को दिखाते हुए, उसको अच्छी तरह से बताते हुए, पूरे भावपूर्ण शब्दों में अपने काव्य की रचना की है। दूसरी इनकी विशेषता है अलंकार। कवि के अलंकारों की जहां तक बात की जाए उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, यमक, अनुप्रास इत्यादि अलंकारों का सफल प्रयोग हुआ। कवि ने अनेक सुंदर उपमाएं प्रकृति से लेकर दी है। प्रकृति से जो उपमाएं उन्होंने ली हैं उनका नवीन प्रयोग किया है। सूर्य, चंद्रमा की छटा, दामिनी, आसमान, नदियां, रश्मियां, सागर, मीन, हाथी, कमल आदि शब्द की उपमाएं उन्होंने अपने काव्य में दी है। और ये उपमाएं यूं तो कहें कि आदिकाल से जहां से काव्य चला आ रहा है सब में दी जाती रही है, लेकिन रसखान के काव्य में ये नवीनता लेकर आई है। प्रकृति का चित्रण भी उन्होंने बड़ी नवीनता के साथ, बड़ी गहराई के साथ और बड़े सहृदयता के साथ किया है। अलंकारों में किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि इनके अलंकार हैं वो केवल शाब्दिक है या उनमें शब्दों को जबरदस्ती लाया गया है, बल्कि उनका स्वाभाविक प्रयोग ही इनके काव्य में नजर आता है। तीसरी इनके कलापक्ष की विशेषता है वो है छंद। सवैया छंद कवि का प्रिय छंद रहा है। सवैया के भी अलग अलग भेद हैं और उन भेदों में से मतगेंद, दुर्मिल, किरीट, मदिरा इत्यादि सवैयों का इन्होंने बड़ा ही सफल प्रयोग किया है। इनके साहित्य में इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके सवैया ही है। प्रेम वाटिका में इन्होंने दोहा छंद का प्रयोग किया है। इनके काव्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, ताल, तुक इन सब से मिला हुआ एक नाद सौंदर्य विकसित हुआ है। गीता इनके काव्य की एक अलग विशेषता है। छंद की दृष्टि से अगर इनके काव्य को देखा जाए तो वह अपने आप में पूर्ण है, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी आलोचकों को दिखाई नहीं देती। सवैया छंद का जितना सफल प्रयोग कवि रसखान ने किया है वैसा प्रयोग अन्य दूसरे कवियों द्वारा कम ही मिलता है। इनके काव्य की अगली विशेषता है प्रतीक योजना। प्रतीक योजना कूट पदों और पहेलिकाओं में इन्होंने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है। अपने नाम का भी कई जगह इन्होंने प्रतीकार्थ रूप में प्रयोग किया है। रसखान
और रसखानी। रसखानी शब्द का प्रयोग जहाँ किया गया है वहाँ वो प्रयोग प्रतीकात्मक है। प्रेम गंभीर भावों की अभिव्यक्ति, भक्ति भावना की अनन्यता के लिए प्रतीकों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। इसी तरह से अनेक दूसरी ऐसे शब्द भी इन्होंने अपने काव्य में काम लिए हैं जिनका प्रतीकार्थ प्रयोग मिलता है। तो प्रतीकों के आधार पर अगर काव्य की समीक्षा की जाए, इनके काव्य का मूल्यांकन किया जाए, तो इनकी प्रतीक योजना समकालीन कवियों में श्रेष्ठ कही जा सकती है। इसके बाद इनकी काव्य की विशेषता है रस योजना। रस योजना में कवि बेजोड़ है। इनके काव्य का मुख्य रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस कृष्ण गोपियों की लीलाएं जिसके अंदर है, राजा शिव सिंह का राज्यारोहण, युद्ध और वीरता का वर्णन जिसके अंदर है, तो यहां हम दो चीज देखते हैं कि एक तरफ लीलाएं की गई हैं, कृष्ण की लीलाएं हैं जिसमें श्रृंगार का वर्णन है, और राजा शिव सिंह का राज्यारोहण जहां दिखाया गया है वहां वीर रस है। लेकिन समग्र रूप से अगर हम देखें तो इनके काव्य में ज्यादातर श्रृंगार रस का वर्णन है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कवि दूसरे रसों को भूल ही गए हैं, क्योंकि इसकी जगह हम शिव सिंह राज्यारोहण में के समय होने वाले युद्ध का वर्णन ले सकते हैं जिसमें वीर रस का बड़ा रोचक वर्णन हुआ। इसी प्रकार अन्य दूसरे रसों का वीर, विभत्स, हास्य, करुण इत्यादि रसों का परिपाक भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। अगली जो इनके काव्य से संबंधित बात है वो है रसखान की भक्ति भावना। रसखान की भक्ति भावना, रसखान की भक्ति भावना के लिए हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान होते हुए भी वो ब्रजभूमि आए, इससे उनकी भक्ति भावना, उनके ब्रजभूमि के प्रति लगाव, कृष्ण के प्रति अनन्य आस्था, उसी का हमें पता चलता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा पुष्टि मार्ग में दीक्षा इन्होंने प्राप्त की। पुष्टि मार्ग में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित सुंदर पद रचनाएं इन्होंने की। इनकी भक्ति भावना की एक विशेषता है सामीप्यता, कि ये कृष्ण से अपना सामीप्य चाहते हैं, सदैव उनके समीप रहना चाहते हैं, उनके नज़दीक रहकर, उनके पास रहकर वो उनसे उनके सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। सामीप्यता के लिए कवि लिखता है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसे गोकुल गांव के ग्वारन। तो इस तरह से वो मनुष्य के रूप में अगर जन्म ले तो गोकुल में ही जन्म लेना चाहते। या लकटी अरु कामरिया, अगर इस सवैये को देखें तो इससे भी हमें यही पता चलता है कि वो करोड़ों रुपयों से बने हुए महल, आठों सिद्धि, नौ निधि का राज सिर्फ लकुटी और कामरिया के लिए छोड़ देना चाहते। वो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महल नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि सारे संसार का सुख, तीनों लोकों का सुख उन्हें प्राप्त हो। वो तो केवल इतना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का सानिध्य, उन्होंने जिन चीज़ों को काम में लिया था उन चीज़ों का सानिध्य, उनका सामीप्य उन्हें मिलता रहे, इसी में वो अपने जन्म को सफल मानते हैं। अगली उनकी विशेषता है मनोभावों का विविध रूप। उनके काव्य में विविध मनोभाव हमें दिखाई देते हैं। प्रेम वाटिका में श्रुति पुराण, आगम स्तुति आदि सभी ग्रंथों का सार प्रेम है। विषानंद और ब्रह्मानंद की प्राप्ति प्रेम है। तो प्रेम इनके काव्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है। अनेक मनोभावों के साथ प्रेम तत्व को इन्होंने अपने काव्य में
सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अगली इनकी भक्ति भावना की विशेषता है वो है स्वतः पूर्णता। रसखान कहते हैं प्रेम अपने आप में पूर्ण है, वह कहीं भी अधूरा नहीं है। प्रेम तत्व को इन्होंने सबसे ऊंचा स्थान देते हुए उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। वो ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर को भी उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण को भी उन्होंने शायद इसीलिए अपना आराध्य माना हो कि उन्होंने भी गोपियों से प्रेम किया, राधा से प्रेम किया, राधा ने उनसे प्रेम किया और गोपियों ने भी कृष्ण से प्रेम किया। और उस वो प्रेम ही था, वो प्रेम तत्व ही था जिसके आधार पर गोपियों ने उद्धव जैसे एक प्रकांड पंडित, एक विद्वान को भी निरुत्तर कर दिया। उद्धव जब आए थे तो वो सोच रहे थे कि वो गोपियों को अपना ये निर्गुण का संदेश देकर ही जाएंगे, उनके प्रश्नों का, उनके बातों का उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन जब वो गए तो स्वयं निरुत्तर थे। इस तरह से प्रेम तत्व सबसे बड़ा तत्व दर्शाया गया। प्रेम करने वाली गोपियां एक पल के लिए भी कृष्ण को भूलना नहीं चाहती और वो उल्टा उद्धव से ही कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में हमारा मन नहीं रमता है, हम तो केवल उन्हीं की प्रेम दीवानी हैं, हमें निर्गुण से कोई मतलब नहीं, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, योग से कोई मतलब नहीं, हमें ना योग चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना ज्ञान चाहिए, हमें तो केवल उनका प्रेम, कृष्ण का प्रेम ही चाहिए। इसी प्रेम तत्व की, जो अपने आप में पूर्ण है, गोपियां हैं वो कृष्ण के ना रहने पर भी उससे प्रेम करती हैं, कृष्ण के रहने पर भी उनसे प्रेम करती है, इसे एकदम से पूर्ण कवि ने दिखाया है। इनके काव्य की अगली विशेषता है सूफी दर्शन। इनके काव्य को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो हम ये पाते हैं कि कवि मुसलमान थे और फारसी के अच्छे ज्ञाता भी थे। फारसी के ज्ञाता होने के कारण इनके काव्य में हम देखते हैं कि लौकिक प्रेम को अलौकिक रूप में दिखाया गया है, जैसा कि हम सूफी मत में देखते हैं। सूफी कहानियों में, सूफी मतों में ऐसा ही चित्रण किया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि सांसारिक प्रेम अंततः ईश्वरीय प्रेम में बदल जाता है, वह ईश्वर के रूप में आ जाता है। ईश्वर तक पहुंचने की, ये सांसारिक जो प्रेम है वो ईश्वर तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र है। और ऐसा ही कुछ सूफी दर्शन का प्रभाव रसखान के काव्य में दिखाई देता है। रसखान ने भी लौकिक प्रेम के सहारे अलौकिक ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करने की चेष्टा की, आत्मा और परमात्मा के प्रेम की बात कही। इनके काव्य में भी आत्मा जो एक इस संसार में विरहणी के रूप में विचरण करती है, विरहणी के रूप में रहती है, उस संसार में जाने के लिए, अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती रहती है, वो इस संसार में विचरण करती है लेकिन जैसे ही उसे अवसर मिलता है वो भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंचने का पूरा प्रयास करती है। और ईश्वर तक पहुँचने तक का जो मार्ग है वो बड़ा ही विकट उसे दिखाई देता है, इसके लिए वह इस संसार में प्रेम का सहारा लेती है। यही सूफी तत्व है। सूफी कवियों ने जितना भी वर्णन किया है वो भारतीय हिंदुओं की कहानियों को माध्यम बनाकर उसी के प्रेम को, लौकिक प्रेम को अलौकिक रूप में चित्रित किया है और उसी अलौकिकता का प्रभाव, उसी अलौकिक चित्रणता का प्रभाव हमें रसखान के काव्य में देखने को मिलता है। अंतिम जो इनके भक्ति भावना की विशेषता है वो है भक्ति भावना का रूप। इनकी भक्ति भावना सगुण भक्ति भावना है। उन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन किया है, ईश्वर के सगुण रूप का वर्णन किया है, उसी की भक्ति की है, उसी को दिखाया है, उसी का चित्रण इनके काव्य में हुआ है।
कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर उनके मथुरा गमन और उसके बाद महाभारत का युद्ध, जिस पर इनका ध्यान अधिक नहीं था, लेकिन उनके बाल्यकाल एवं किशोरावस्था तक का चित्रण इन्होंने बड़ा ही सुंदर किया है। इनके काव्य में कृष्ण के बाल रूप वर्णन का मनोहारी चित्रण है। ऐसा ही चित्रण इनको इनके किशोर व्यय के चित्रण में है, जब ये ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं और खेल ही खेल में ये बेईमानी भी करते हैं। इसी तरह का जो भक्ति भावना इनमें देखने को मिलती है वो इनके उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए देखने को मिलती है। ऐसी ही भक्ति भावना इनकी लीलाएं जो उन्होंने गोपियों के साथ मधुबन में रास रचाया, जो इन्होंने प्रेम किया राधा जी से, उन सब में इनकी भक्ति भावना के दर्शन हमें होते हैं। रसखान के काव्य की भक्ति भावना अनन्य है। उनकी भक्ति भावना को देखकर हम कह सकते हैं कोई भी हिंदू कवि इस तरह की भक्ति भावना से ओतप्रोत नहीं है। एक मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपने मन से स्वीकार किया। जब दिल्ली और उसके आसपास भयंकर दंगे हो रहे थे, तब उन्होंने इस तरह से वहाँ से प्रस्थान किया कि जैसे वो उस स्थान को कभी जानते ही नहीं, और अंततः ब्रजभूमि आकर गोस्वामी विट्ठल दास जी से पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। तो इस्लाम से उनका मोहभंग होना, कृष्ण भक्ति में रमना, गोपियों और कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन करना, उनके बाल रूप का वर्णन करना, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए हर तरह से लालायित रहना, उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों निधियों को भी छोड़ना, आठों सिद्धियों को भी छोड़ना, एकमात्र पर्वत बनना, एकमात्र पक्षी बनकर गोकुल के पेड़ों के ऊपर निवास करना, इस तरह की जो इच्छाएं, इस तरह की जो भक्ति भावना, इस तरह की जो एक अभिलाषा उनके मन में थी, वो इनको एक श्रेष्ठ कवि सिद्ध करती है, श्रेष्ठ भक्त कवि सिद्ध करती है। विद्यार्थियों, रसखान का काव्य उच्च कोटि का काव्य है, जो कि हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। रसखान के काव्य को पढ़े बिना, उनके काव्य की समीक्षा किए बिना हम ये नहीं कह सकते कि हमने भक्ति काल का अच्छे से अध्ययन कर लिया है। भक्ति काल के अध्ययन के लिए ये आवश्यक है कि हम रसखान को पढ़ें, उसका अध्ययन करें। रसखान जो कि एक उच्च कोटि के कवि होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के भक्त भी हैं, उन्होंने अपनी भक्ति अपने काव्य के साथ इस संसार में हिंदी साहित्य में अपना नाम, हिंदी साहित्य का नाम दोनों को ही अमर बना दिया है। अगली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे मीराबाई।